ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बिहार के छपरा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां भीड़ का एक हैवानियत भरा चेहरा सामने आया है। भीड़ ने तीन युवकों को मवेशी चोरी के शक में इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। छपरा जिले के बनियापुर में पिकअप से जा रहे थे तीन युवक, तभी मवेशी चोरी के शक में गांव वालों ने शोर मचाया। गांव वालों ने बिना पूछताछ की और बिना पुलिस को जानकारी दिए इन तीन युवकों को भीड़ ने इतनी बेरहमी से मारा पीटा कि उनकी मौत हो गई। मृतक युवकों की पहचान नौशाद कुरैशी, राजू नट और विदेशी नट के रूप में हुई है। पहले तबरेज अंसारी और अब नौशाद कुरैशी, राजू नट, विदेश नट को भीड़ ने सिर्फ चोरी के शक में पीट पीट कर मार डाला। वहीं परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का कहना है कि पिकअप लेकर कहीं भाड़े पे जा रहे थे, मगर भीड़ ने चोर चोर कहकर मार डाला। अब सवाल उठता है कि आखिर भीड़ इतनी उग्र क्यों हो जाती है, क्यों कानून को अपने हाथ में लेकर किसी की भी शक के आधार पर जान ले लेती है। तीनों युवकों के मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। सीना पीट पीट कर रोते बिलखते लोग अब प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लगातार भीड़ द्वारा बेगुनाहों की पीट पीट कर मार डालने की घटनाएं बढ़ते ही जा रही हैं। लगभग भारत में अब हर कोने से मॉब लिंचिंग जैसी घटना सामने आ रही है। मृतक के परिजनों ने क्या कुछ बताया है इस घटना पर। आता है लोग, जा रहा था अपना कुछ खरीदने बेचने, फिर के लोग चोर चोर को हक मार दिया। सुबह 5 बजे भोर में पुलिस को खबर किया गया। पुलिस जब मार हो रहा था तो पुलिस तीनों आदमी बिलोड़ो लेकर जा रहे थे दूसरे जगह। बीच रास्ते में ये लोग इकट्ठा थे 10-20 आदमी, उन लोगों ने चोर चोर घेर कर मार कर मार दिया तीनों को। खबर मिला है, पहले फोन था, उसके बाद फोन से बात हुआ है, उसके बाद मोबाइल छीन लिया है लोग और उसको मारना शुरू कर दिया लोग। हम लोग जब तक पुलिस के पास गए हैं, पुलिस गई है जब तक मार के मुंगा दिया था लोग। कुछ नहीं हुआ था, अपना बोलेरो पिकअप एक तो पुरानी रखे हुए हैं, लेकर के कहीं भाड़ा में जा रहे थे सुबह 5 बजे ना। उस गांव में जब पहुंचे हैं पिठौरी नंदलाल टोला, तो लोगों ने हल्ला कर करके चोर है पकड़ लिया है, मारने पीटने लगा। उसके बाद में एक तो कॉल आया है जो हम लोग बात कर रहे थे, जब तक फोन को छीन लिया गया है, काट दिया पूरा, गाली गलौज, मारो मारो, यही हो रहा था। अब तहकीकात करने लगे हैं कि कहाँ की खबर है, ये घटना है, तो एक आदमी से पता कर रहे थे थाना पर जो रहता है, तो बोल रहा है कि हाँ अभी अभी सरपंच है, फोन किए थे कि हमने तीन को चोर को पकड़ करके रखा है, जल्दी से प्रशासन को भेजिए। तो हम लोग प्रशासन के पास में गए हैं, तो प्रशासन से पता चला है कि एक तो गाड़ी गई हुई है और हमारे थाना प्रभारी हमारे सामने बोल रहे हैं कि हम भी जा रहे हैं वहीं ना। जब तक जाते जाते सुन रहे हैं कि तीनों आदमी मर गए। आखिर कब मॉब लिंचिंग जैसी घटना को रोकने के लिए कब कड़ा कानून बनेगा? लोग घटना की जानकारी पुलिस को देने के बजाय खुद तालिबानी फैसला क्यों देते हैं? आखिर और कब तक भीड़ के हाथों किसी बेगुनाह की मौत को घाट उतारा जाएगा? बहरहाल पुलिस ने मृतकों के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरी घटना की जांच पुलिस आगे कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।